नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। जी हाँ, तो प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कितने एक्टिव हो चुके हैं उसकी सीधी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, बिल्कुल चमचमाती गाड़ियां हैं प्रशांत किशोर के पास, और एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में। आज पटना में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, और देखिए ज्ञान भवन में ये बड़ा कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम में जिस तरीके से तमाम लोग जुटे, और साथ ही हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से चुनाव प्रचार का माहौल बना रहे हैं प्रशांत किशोर। जन सुराज की ये आप गाड़ी देख सकते हैं, गांधी जी की तस्वीर लगी है और लिखा है कि सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। तो प्रशांत किशोर क्या बदलाव चाहते हैं और किसको चैलेंज कर रहे हैं और किस बात के लिए चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे कई सवाल लेंगे प्रशांत किशोर के लोगों से ही। तो देखिए आगे चलते हैं जहां पर तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा है, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, लोग अब अपने घर लौट रहे हैं, तो लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि तेजस्वी यादव को कितना इस बार प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचा सकते हैं। और देखिए, हाँ देखिए, गाड़ी में लोग बैठे हुए, इन्हीं से बात क्यों ना कर ली जाए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राजकुमार है। कहाँ से आए आप? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। सीतामढ़ी से। तो प्रशांत किशोर जी के जन सुराज से कितने समय से जुड़े हैं आपको? हम 4 महीने से जुड़े हुए हैं। 4 महीने से। क्या अच्छा लगा? रोजी रोजगार, अपने जो अपने पढ़ाई के ऊपर जो प्लान जो बाहर करने जा रहे हैं वो अपने बिहार स्तर में हो जाएगा। तो नौकरी की बात तो तेजस्वी यादव खूब करते हैं, करते हैं लेकिन देते नहीं है ना। तेजस्वी का आप 17 साल बनाम 17 महीने 5 लाख नौकरी, वो सब कारगर नहीं हुआ? कुछ कारगर नहीं हुआ। चलिए, क्या नाम भैया? मनीष कुमार हुआ मेरा नाम। आप कब से जुड़े हैं प्रशांत किशोर से? मैं पिछले 12 दिनों से जुड़ा हुआ। 12 दिन से? देखिए 12 दिन पहले ये जुड़े हैं, तो 12 दिन में क्या समझे आप प्रशांत किशोर के बारे में? यही जो शिक्षा, बेरोजगारी और विधवा पेंशन को लेकर जो चल रहा है। अच्छा, आप नौकरी करते हैं? जी फिलहाल अभी नहीं कर रहा हूँ। बेरोजगार है आप? गाड़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बैठे हुए हैं आप, कह रहे हैं बेरोजगार है। प्रशांत किशोर जी ने गाड़ी दे दी है अच्छी सी। हाँ, अच्छा लग रहा है बैठ के? अच्छा लग रहा है। तो नौकरी भी दिलवाएंगे? हाँ दिलवाएंगे। चलिए, नौकरी की उम्मीद है, गाड़ी अच्छी मिल गई है बैठने के लिए और लोगों से। प्रशांत किशोर के साथ है, क्या नाम क्या है? विकास बरविघा। कहाँ के हैं आप? बरविघा से। आप कितने दिन से जुड़े हैं जन सुराज के साथ से? लगभग 1.5 साल। 1.5 साल? ये थोड़े पुराने हैं, ये 1.5 साल वाले। तो 1.5 साल में क्या बढ़िया लगा प्रशांत किशोर जी के बारे में? प्रशांत किशोर जी बिहार के सुधार के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ। सब सुख सुविधा होने के बावजूद, हाँ, अगर वो अपना चौपड़ से चल सकते थे, सब सुविधा लेने के बावजूद, हाँ, वो आदमी पैदल यात्रा कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियों से यात्रा दिख रही है हमको, ये वही पैदल यात्रा का रिजल्ट है। अच्छा, जो पैदल चल रहे हैं, हाँ, उसका ये आउटकम है। अच्छा, आप पैदल यात्रा को कवरेज अगर करना चाहते हैं तभी मधेपुरा में यात्रा चल रहा है। अच्छा चलिए, आप देखिए कैसे गांव-गांव घर-घर पैदल चल रहे हैं। किसको चैलेंज करना चाहते हैं प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो ये कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि जो भी सरकार में आया, हाँ, सब बढ़िया काम किया, हाँ, किसी का कोई शिकायत नहीं। अच्छा, फिर भी बिहार का दुर्दशा तो ये है ना कि शिक्षा के मामले में 28वें नंबर पे, रोजगार के मामले में 28वें नंबर पे, भुखमरी के मामले में 28वें। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छे हम सीधी सटीक बातें करते हैं। सटीक बात ये है कि जो 2025 में चुनाव जीतेगा वही बिहार के भविष्य को तय करेगा। क्या लगता है प्रशांत किशोर कहाँ तक पहुँचेंगे? 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। सरकार बना लेंगे पूर्ण बहुमत से। बड़े दावे कार्यकर्ताओं के, हौसला बुलंद है। चलिए, बुलंद रहना चाहिए। आपका प्रेम कुमार। प्रेम कुमार, प्रेम कुमार जी प्रशांत किशोर के जन सुराज से कितने टाइम से जुड़े हैं? लगभग 2 साल से। 2 साल, ये सबसे ज्यादा मतलब अभी 2 साल वाले हैं, मतलब जहाँ से पद यात्रा शुरू हुई थी आपने भी साथ साथ शुरुआत की थी। जी। अच्छा, तो प्रशांत किशोर जी जब आप लोग साथ बैठते होंगे तो तेजस्वी यादव के लिए काफी बोलते हैं बाजार में कि भाई तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा है वैसा है। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा बिहार के लिए अच्छा करेंगे? तेजस्वी यादव के बारे में ये नहीं बताते हैं कि पढ़े लिखे हैं या ना है, उनको क्या करना, वो ये बताते हैं कि लालू यादव जी के बारे में बताते हैं कि लालू यादव कितने अच्छे वो बाप हैं, हाँ, जो कि उनका लड़का 9वां पास नहीं है और बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है वो अपना बेटा को। लेकिन आप जितना भी पूरा बिहार के लोग हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं दिल्ली में, पटना में बीए पढ़ लेता है, ग्रेजुएट एमए कर लेता है, लेकिन उनको नौकरी की का व्यवस्था नहीं। आप नौकरी करते हैं?
जी नहीं, हम राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। मतलब आप राजनीति ही आपका पेशा बन चुका है, इसको आपने व्यवसाय बना लिया? व्यवसाय नहीं बनाए हैं, बिहार में एक नया विकल्प के तौर पे नया प्रयास हो रहा है। राजनीति जब अभी कर रहे हैं तो सामाजिक काम हुआ रहे हैं, बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए। मेरा सवाल सुनिए ना, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते तो आपको, मान लीजिए कोई कहीं नौकरी करता तो कुछ पैसे आते, आपको आमदनी कैसे होती है? देखिए, इससे पहले तो हम लोग कई जगह पे हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अभी जो क्या आपको जन सुराज कुछ पार्ट टाइम पेमेंट करता है या जीरो पेमेंट है? जीरो पेमेंट है। तो कुर्ता इतना चमचमाता पहना है, नौकरी करते नहीं, तो पिताजी के पैसे से पहन लिया फिर? जी, इसलिए आपको बता रहे हैं, इसलिए कि मान लीजिए कि कोई अगर पढ़ने के लिए यहाँ पे आता है, यहाँ पढ़ने के लिए पढ़ना आता है, तो क्या टीचर उनको पैसा देता है हम लोग सीखने समझने के लिए? भैया आपकी उम्र कितनी है? 25 वर्ष है। 25 में मतलब कुछ भविष्य, भाई हम आपके बेहतरी के लिए पूछ रहे हैं कि कुछ नौकरी सोचा होगा, जनसुरा से जुड़ेंगे, कुछ नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, प्रशांत किशोर आपको कहीं सेट करेंगे? नौकरी देने वाले बनेंगे, देने वाले बनेंगे जी। बहुत बड़ी सोच है नेताजी, जिंदाबाद। चलिए बहुत अच्छा है। भैया अभी जनसुराज से जुड़े हैं, कहाँ के हैं आप? वैशाली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। वैशाली से हैं आप? तो प्रशांत किशोर बड़ा आंधी तूफान की तरह पूरे बिहार में प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है ये आंधी तूफान असरदार आपकी नजर में कितना होगा? वो 25 में मालूम चल जाएगा आपको। 25 में मालूम चल जाएगा, वो तो तब का मालूम चल जाएगा ना, पर तेजस्वी यादव भी अब देखिए ना, अभी पद यात्रा करने वाले हैं। तो करे, वो करे, कोई इशू नहीं है उस टाइम को। तेजस्वी यादव तो अच्छे अच्छे को ध्वस्त कर देते हैं। हाँ, करिए देते हैं भाई। तो प्रशांत जी कैसे टिक पाएंगे? प्रशांत जी बात का मैडम पार्टी है और पूरा 2025 में उनको ध्वस्त हो जाना है, तेजस्वी यादव को। अच्छा। जी, और नीतीश जी को भी। नीतीश जी को भी? हाँ, प्रशांत किशोर जी कहते हैं इंडिया और एनडीए दोनों को काट के हटाएंगे बिहार से। कैसे काट के? ऐसे ऐसे नहीं नहीं, राजनीतिक के जवाब राजनीतिक से दे करके। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को पूरा तय है कि मतलब ना बीजेपी, ना नीतीश कुमार, ना तेजस्वी यादव, बिहार में 2025 में जन सुराज की सरकार बननी तय है। जन सुराज नारेबाजी करने से कोई आज तक जीता है चुनाव? मतलब बात सुनिए, पिछले 34 वर्षों से मेरा उम्र 34 साल है, ठीक है, और पिछले 34 वर्षों से हमने दो ही लोगों को देखा बिहार के सत्ता पे काबिज, या तो लालू या तो नीतीश जी। बिल्कुल, मैं इन 34 साल में कुछ भी बदलते नहीं देखा। मैंने यही देखा कि बिहार में मजदूरों का फैक्ट्री ये लोग स्थापित करके रख दिए। अच्छा। बिहार का लड़का, बिहार का लड़का बाहर में जाता, मैं खुद जब जाता हूँ तो बिहारी एक गाली है वहाँ के लिए, बिहारी संबोधन जो है एक गाली बन चुका है। तो ये किसने किया है? यही लालू नीतीश। अच्छा। बस दो ही लोग बिहार के रणित के लिए अभिशाप हैं। अच्छा। अगर ये लोग दो बिहार के रणित से किनारे हो जाते हैं। सवाल सुनिए, नीतीश जब तय कर चुके हैं 2025 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, पहली बात, तेजस्वी यादव भी तय कर चुके हैं कि राजद की तरफ से सीएम बनेंगे, दोनों अभी सामने दिख रहे हैं। बताते हैं, एक यूपी में मुख्यमंत्री हुआ करती थी मायावती, तीन तीन बार वहाँ के मुख्यमंत्री बनी थी। वैसे नीतीश कुमार 9 बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन अगली बार विधानसभा का जब चुनाव होगा तो नीतीश कुमार के पार्टी का दिया बारने वाला विधानसभा में कोई सदस्य नहीं होने वाला है, एक भी नहीं बचेगा। बिल्कुल कोई नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। रही बात तेजस्वी की, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, कोई क्वालिटी तो उनके पास है नहीं, बाप के चोरी के विरासत को संभाले हुए हैं। अच्छा। जो कि प्रशांत किशोर जी जैसे लोग एक साथ जुड़कर इस चोरी के पैसा को बिहार के जनता में बांटेंगे, और बिहार के सत्ता पर अगला अधिकार होगा तो प्रशांत किशोर जी का होगा। नेता के लड़का है इसी का, तेजस्वी यादव नेता है, नेता के लड़का है, नेता के लड़का है, इसी कारण नेता है। क्वालिटी क्या है उनमें? उनके साथ बिहार का पूरा यादव जो कि जातिगत जनगणना में बड़ी संख्या में है। अरे देखिए मैम, जाति जो जो समस्या है, मेन समस्या
समस्या यह है कि बिहार में या भारत में लोकतंत्र नहीं है, जनतंत्र नहीं है, पार्टी तंत्र चल रहा है। हाँ। और पार्टी जाति के आधार पर बना हुआ है, और सबसे सबसे बड़ी बात है कि जाति तंत्र है, और ये लोग पार्टी बना ली है जाति के आधार पे, और परिवार परिवार का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमूल बेबी पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि अमूल का दूध पिला के जो बच्चे बड़े हुए हैं वही पार्टी चला रहे हैं। अच्छा। और मुझे लगता है कि रियल बच्चे जितने भी जुआ है वो सड़क पे हैं। तो मेरा ये कहना है, मेरा नाम शिव गांधी है। हाँ, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चाइनीज भाषा पढ़ा था। क्या अभी PhD कर रहे हैं भोजपुरी से, क्योंकि भोजपुरी को संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और 2014 में नीतीश कुमार ये नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ा था चुनाव वहां से बनारस से। मेरा ये कहना है कि बिहार के जब तक जितने भी ग्रेजुएट लड़के हैं वो किसी एक आदमी से बिहार बदलने वाला नहीं है। जितने भी ग्रेजुएट हैं जब तक गांव 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 वो नहीं जाएंगे, गांव में अपना परचम नहीं लड़ाएंगे, जिस तरह से वो नौकरी के पीछे भागते हैं उनको पॉलिटिक्स के पीछे भागना पड़ेगा। शिक्षित व्यक्ति जब पॉलिटिक्स में आएगा तब जाके सही सोच सामूहिक प्रयास एक सवाल मेरा बड़ा महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि बिहार में चप्पे चप्पे पर राजनीति छोड़िए, यहाँ नौकरी हो, छोटी दुकानदारी हो, जाति पर आगे। तो जो एक सच्चाई है इसको झुठलाना नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव का जो यादव वोट बैंक है जो बिहार में सबसे बड़ी तादाद में है, मुस्लिम वोट बैंक है जो भी बड़ी संख्या में है, क्या इसको खींच पाएंगे? प्रशांत किशोर कैसे खींचेंगे, कैसे खींच पाएंगे? तेजस्वी का यादव टूटेगा, बिल्कुल जाति की भावना नहीं है। पर नहीं है वो तो हम जान रहे हैं, बिल्कुल टूटेगा मैम, बिल्कुल टूटेगा। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ जाति की राजनीति नहीं, सब परिवार की राजनीति होनी चाहिए। यहाँ पे कोई जितने भी जाति के लोग हैं यहाँ पे सब जाति की राजनीति करने के लिए आए, लेकिन यहाँ जाति को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो जाति का जाति यहाँ पे उसके साथ देखिए, मुस्लिम को लगता है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम विरोधी है। हाँ। तब वो तेजस्वी को चुनते हैं। अच्छा। मतलब अदर किसी कास्ट को यादव छोड़ के, यादव मुस्लिम छोड़ के अदर किसी कास्ट को लगता है। हाँ। कि तेजस्वी आएंगे तो फिर जंगल राज हो जाएगा। हाँ। तो वो मोदी को चुन रहे हैं। हाँ। इसी में हम लोग बच जा रहे हैं, क्योंकि चूंकि तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं, नीतीश जी का कोई दल नहीं है, वो कभी लालटेन में जा रहे हैं, कभी लालटेन को पकड़ रहे हैं, कभी कमल के फूल बल जा रहे हैं, उनका कोई दल नहीं है। बिहार में पलटू चाचा है, कौन है पलटू चाचा? नीतीश जी। देखिए, जातिवादी पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए योग्यताधारी लोगों को, जितने ग्रेजुएट हैं सबको आना ही पड़ेगा पॉलिटिक्स में। बहुत अच्छी ये मुहिम है कि भाई पढ़े लिखे लोग ही पॉलिटिक्स में आए, है ना? हर लोगों से पूछ लेते हैं। जात की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि आप एक कास्ट के बिना की पॉलिटिक्स चाहते हैं, ठीक है, कि सर्व समाज साथ में है, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जन सुराज का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या प्रशांत किशोर, क्या प्रशांत किशोर, मैं इसीलिए समझना चाह रही हूँ, क्या प्रशांत किशोर को जो बिहार के लोग वोट देंगे क्या उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, या कोई और चेहरा होगा जन सुराज का? आप कार्यकर्ता लोग हैं, आपको क्या लगता है? कि प्रशांत किशोर ने बोले हैं कि हम इस पार्टी का कोई नेता नहीं बनेंगे, बिहार के लोग बनेंगे। ये देखिए, तो मुख्यमंत्री जो है ये हिडन फैक्ट है, और मैं आपको बताता हूँ, आसान नहीं है ये। आप जो सवाल है जेन्युइन सवाल है कि आखिर CM कौन बनेगा। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, उन्होंने कह दिया है कि बिहार के सबसे योग्य युवा जो होगा, योग्य व्यक्ति होगा, वही जाके CM बनेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक कहने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली में मैंने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि हम कुछ नहीं लेंगे। हाँ। कुछ नहीं करेंगे, बाद में अरविंद केजरीवाल लेना पड़ा, ये मजबूरी है, मजबूरी है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी जब जनता जनता जो है ये भी चाहते कि ये लोगों से, लोगों के मुंह से ही कहलवाना चाहते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, वो जनता जब मेजोरिटी आएगी तो दूसरा कोई आएगा नहीं,
इनको आना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोगों के साथ ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। थोड़ा जगह थोड़ा उधर कंजेस्टेड हो रहा था तो थोड़ा सा इधर आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा ऐसे आ जाइए। देखिए एक बात जो हमने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लिया कि बिहार में जो जन स्वराज बड़ा एक आंदोलन एक तरह से लेकर आई है, लेकिन सवाल ये है कि जन स्वराज में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे अल्टीमेटली लोग प्रशांत किशोर को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि शायद इनकी नजर में उनसे बेहतर जन स्वराज के लिए कोई नहीं होगा, ये है ना। तो कहने का मतलब है कि क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोगों को लगता है, क्योंकि पहली बार जब कोई सत्ता में आता है तो सब अच्छा ही बोलता है, अब मुख्यमंत्री के रूप में तो अरविंद केजरीवाल का जो अभी हश्र हो रहा है आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहली बार जो सत्ता माता तो कोई करता है वैसे ही बोलता है। हाँ। बोले आप कोई नेता ऐसा है कि पहली बार सत्ता में तो पैदल यात्रा किए हैं, अच्छा, बारिश में चले हैं, धूप में चले हैं, कहीं घर घर जाके जनता को बताए कि आप चावल पे मत बिकिए 5 kg पे, कोई बोला है कि आप गैस सिलेंडर पे मत बिकिए, अच्छा। कोई नेता बोला अभी तक जाइए आप अपना बाल बच्चा के भविष्य के लिए लड़िए, बाल बच्चा के भविष्य के लिए वोट दीजिए, अच्छा। कोई नेता बोला है तो आप बताइए उसका नाम। मतलब जो इनका तरीका है उससे लग रहा है कि ये अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम नहीं, देखिए मैं बताते मैं लोकतांत्रिक तरीका है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, संविधान के अनुसार जो है ना, संविधान जो भी काम होगा चुनते हैं डायरेक्ट नेता की तरफ से होगा, इसमें कोई स्टाफ की तरफ जो कमीशन खा जाता है इसमें, जैसे हम इसको दिए 50,000 गरीब को बांटने के लिए, ये रख लिया गरीब को नहीं बैठा, ये सिस्टम कभी नहीं होगा। प्रशांत किशोर जी अपना से जाके घर घर जाके हेल्प करेंगे। उसमें एक संवैधानिक चीज पूछना था शॉर्ट में, देखिए संविधान कहता है कि जो यदि देखिए विधायक चुनते हैं हम और वो क्या बोलते हैं कि सांसद चुनते हैं, सांसद जो चुना हुआ होता है वो प्रधानमंत्री का चुनाव करता है और विधायक जो चुने होते हैं वो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है, पार्टी पॉलिटिक्स जो शुरू हुआ है, जैसे बोलते हैं ना कि ये वाला पार्टी तंत्र जो शुरू हो गया है, इसमें क्या होता है कि पहले ही चेहरा जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ये लोग ठूस दे रहे हैं, कोशिश कर दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसमें क्या होगा कि प्रत्येक युवा को, प्रत्येक विधायक को चांस मिलेगा। ये मतलब है कि चुनाव के बाद चेहरा तय होना चाहिए कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन बनेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी कोई है जो कुछ कहना चाहता है? लेकिन लेकिन मेरे सवाल का पहले सुनिएगा गौर से और फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। इधर आइए, थोड़ा सा यहीं पे रहिए, ठीक है, इधर आइए भैया। आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, जिसने बोल दिया है प्लीज आप होना है, बस आपसे आखिरी सवाल लेंगे। आप लोग पूरे बिहार में एक तरह से पैदल यात्रा कर चुके हैं, मतलब पूरी जन स्वराज और प्रशांत किशोर, अब तेजस्वी यादव एक माहौल बनाएंगे, आप लोग एक माहौल बनाएंगे, जो हमने देखा है कि RJD की रैलियों में सबसे ज्यादा हमें लगता है बिहार में भीड़ जुटती है। प्रशांत किशोर क्या उतनी भीड़ जुटा पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव का जो क्रेज है मार्केट में उसको घटा पाएंगे? क्योंकि युवा में आपने देखा है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति AC में बैठकर जनता के समस्या को नहीं समझ सकता है। प्रशांत किशोर जी घर घर जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति का, एक एक परिवार के समस्या को, हर एक गाँव के, हर एक पंचायत के, हर एक जिला के समस्याओं को समझते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रशांत किशोर जी जब चुनाव में उतरेंगे तो उनके पास दिखने के लिए भीड़ नहीं होगा, जो भीड़ होगा वो जेन्युइन भीड़ होगा जो उनको वोट में कन्वर्ट होगा। चलिए, बाकी लोग तेजस्वी यादव को आपने देखा होगा कि भीड़ तो काफी जुटा है, बहुत अच्छी, लेकिन वोट में नहीं, ठीक है, ये अच्छी बात बता रहे। देखिए एक तस्वीर बोला तेजस्वी यादव की, बच्चा अपने बाल बच्चा भविष्य के लिए सोचिए, कभी सुने कहीं क्या बोलता है 5 साल के बाद ये करेंगे वो करेंगे, कभी सोचे गरीब के घर में जाके भोजन खाया होगा, हेलीकॉप्टर पर मछली खाते हो, मछली खाते, कभी देखे उसको कहीं गरीब के खोपड़ी में जाके देखा होगा गरीबी कैसा महसूस हो रहा कोई नेता का। प्रशांत किशोर वो नेता है कि धूप में पसीना में पूरा आदमी को लेके पूरा गांव-गांव बैठ के जाके अपना गरीबी मुसीबत उसका देख के तब आज खड़ा हो रहे। अच्छा, आप लोगों को नौकरी मिलेगा प्रशांत के, रोजगार मिलेगा नौकरी? अगर मैं नौकरी मिले ना मिले, अगर बिहार की भविष्य बने, वोट तो हम बिहार में देते हैं, फैक्ट्री का है गुजरात में लगा हुआ है, गुजरात में फैक्ट्री अदानी कंपनी, अगर जब बिहार में भी वोट हम देते हैं भाई लोग को, बिहार में भी वोट देते हैं, गुजरात में भी वोट। प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं वो हमने सुना है, वो बात ठीक बोल रहे हैं। मैम जब
बिहार में डेवलप नहीं हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सरकार बनाएंगे तो फैक्ट्रियां लगाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, हर एक के घर खुशी माहौल से चलेगा, रोजगार मिलेंगे, सब अच्छे घर से घर परिवार उसका चलेगा। जब बिहार सही हो जाएगा तो बाद में गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ आप देख लीजिए कि जो एक एक कार्यकर्ता है उसके जहन में ये बात बैठ गई है कि प्रशांत किशोर अगर सत्ता में आते हैं तो बिहार में बड़ी तादाद में रोजगार लेकर आएंगे, नौकरियां लेकर आएंगे, और शायद बिहार जो इतना पिछड़ा हुआ है, गरीब राज्य है, उसको काफी ऊपर तक लेकर जाएंगे। अब देखते हैं कि ये जो उम्मीदें हैं, ये जो आशाएं हैं, क्या ये फलीभूत होंगी, क्योंकि चुनाव को ज्यादा दिन नहीं बाकी है और हर दल चाहता है कि वो सत्ता में आ जाए। प्रशांत किशोर कितने कामयाब होंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस पब्लिक ओपिनियन में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।